Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today we will discuss the exercise of unit number 7, which is the grammatical exercise. I will come to the specific page, then we will discuss. यस दिस इज ये जो आप अपने बुक ओपन कर लेंगे तो उसमें ग्रामर लिखा हुआ पोर्शन मिलेगा आपको. तो उसमें प्रपोजिशन पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स एडवर्ब्स को पुट करने के लिए क्वेश्चन है. ये रह गई थी उससे पहले जो एब्रीविएशन थी वो करके हमने स्टॉप किया था लास्ट डे जब हम पढ़ रहे थे. ठीक है, तो इसमें ए है प्लेस द एडवर्ब्स एट एप्रोप्रिएट पोजिशंस. ठीक है, जो एडवर्ब से हैं, ठीक है, एडवर्ब को डिफाइन हम इस तरह करते हैं, इट एड्स इन द मीनिंग ऑफ वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. ठीक है, तो इनकी फिर पोजीशन भी होती है. ठीक है, तो पोजीशन के हवाले से वो कहता है कि ये 5-6 सेंटेंसेस दिए हैं, उनमें आप पुट कैसे करेंगे. ठीक है, तो अब ये फर्स्ट जो है शी ऑफन कम्स हियर. ठीक है, शी ऑफन, ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है तो वो वर्ब से पहले हम लगा देते हैं शी ऑफन कम्स हियर. ठीक है, तो ऑफ यहाँ इसमें एक आप निशान लगा के ना शी के बाद ऑफन को लिख लेंगे अपने बुक के ऊपर ताकि आप वो पोजिशन जो है वो याद रहेगी. ठीक है, इसके बाद है ही गोस टू लाहौर. ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट में ले आते हैं समटाइम्स कामा ही गोस टू लाहौर. ठीक है, अब ही समटाइम्स पहले लिखेंगे तो ही छोटा लिखा जाएगा, यानी ही का एच जो है वो आप स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल नहीं बनाएंगे. समटाइम्स कामा ही गोस टू लाहौर. ठीक है, इसी तरह थर्ड है द टीचर वॉज लेट. ठीक है, तो इसमें होगा द टीचर वॉज हार्डली एवर लेट. ठीक है, द टीचर वॉज हार्डली एवर लेट. वॉज के बाद आप लिखेंगे थर्ड ऑप्शन पे हार्डली एवर. इसी तरह फोर्थ है ही वॉज टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे. ठीक है, तो ही वी यूजुअली आर टायर्ड. ठीक है, वी यूजुअली are tired by the end of the day. ठीक है, या दूसरी एक और पोजिशन भी इसकी usually first जिस तरह हमने sometimes लाया था usually comma we are tired by end of the day. ठीक है, दोनों तरीके ठीक है. I have posted a letter to them. ठीक है, I have just. ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देंगे फ्रीक्वेंसी. आई हैव जस्ट पोस्टेड अ लेटर टू देम. ठीक है, इसी तरह लास्ट है ही डिड हिज वर्क. ठीक है, अब ये लास्ट में लगता है ही डिड हिज वर्क केयरफुल. ठीक है, लास्ट में लगा देंगे ही डिड हिज वर्क केयरफुली. क्लियर है. अब इसी तरह नेक्स्ट जो है वो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन देता है, यानी एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है. 3 डिग्रीज हम एडजेक्टिव की कहते हैं. फर्स्ट को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, सेकंड को हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड को कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का मतलब ये है कि हम एक चीज को बेहतर या बुरा समझते हैं, किसी कोई और चीज के साथ हम कंपेयर नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही इज अ गुड बॉय. ठीक है, वो अपने आप में एक अच्छा लड़का है, मैं किसी से कंपेयर नहीं करता, तो उस डिग्री को कहते हैं पॉजिटिव. ठीक है, और अगर कंपेयर करना है दो चीजों के बारे में तो इसको हम कंपेरेटिव, कंपेयर से ही कंपेरेटिव डिग्री निकला है. ठीक है, तो इसमें आएगा दिस मोबाइल इज बेटर देन योर मोबाइल. फॉर एग्जाम्पल, तो बेटर देन एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को कंपेयर करवाया, तो
तो उस डिग्री को जब दो चीजों के आपस में कंपैरिजन करवाना हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, जब कोई कंपैरिजन ना हो हम पॉजिटिव यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम किसी एक चीज को सबसे बेहतर कंसीडर करते हैं तो हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सबसे आला करार देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस मोबाइल इज बेस्ट, अब इसमें क्या है, बेस्ट का मतलब है इस जैसी कोई मोबाइल और नहीं हो सकती है, इतना अच्छा और इतना फंक्शनल मोबाइल कोई और नहीं हो सकता, तो इसके लिए फिर सुपरलेटिव डिग्री यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब बी में पढ़ रहा हूँ, यहाँ जो बी लिखा हुआ है ये वाला, कंप्लीट दिस टेबल विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तीनों डिग्री जो हमने अभी डिस्कस की वो दिए हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो कंपैरेटिव में है केप्ट मच, मच का कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, मोर, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, केप्ट मच को कंपैरेटिव में केप्ट मोर, सुपरलेटिव में केप्ट मोस्ट, ठीक है, केप्ट मोर एंड केप्ट मोस्ट। इसी तरह सेंग ब्यूटीफुली, ठीक है, तो सेंग मोर ब्यूटीफुली, सेंग मच ब्यूटीफुली, ठीक है, सेंग मोर ब्यूटीफुली एंड सेंग मच ब्यूटीफुली। इसी तरह स्लेप्ट लिटल का, स्लेप्ट लिटल का लेस लीस्ट होता है, ठीक है, स्लेप्ट लिटल, स्लेप्ट लेस एंड स्लेप्ट least। इसी तरह looked good, looked better, looked best, good, better, best होता है, ठीक है। आगे verb आपने वही रखना होता है, जिस तरह हमने kept को kept ही रखा, sang को sang, slept, looked, इसी तरह arrived वही रहेगा, early का earlier, earliest होता है, तो arrived earlier, arrived earliest, ठीक है। तो ये डिग्रीज हैं, इसी तरह आप खानों में जो आपके पास बुक में ये पड़े हुए हैं बॉक्सेस, इनमें इसी तरह से लिख के आप फिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात थी, बस बाकी नहीं है इसमें, तो मैं दूसरा शेयर कर लेता हूँ इस हवाले से भी, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो वो फिर लास्ट में मुझे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैं जो है दूसरी पीडीएफ जो है आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, उसमें एक्टिव पैसिव के हवाले से, जो आपके ग्रामर एंड कंपोजिशन के बुक 60 पेज नंबर 68 से लेकर 70 तक कुछ जो है एक्टिव पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए दी गई है, ठीक है। तो वो अक्सर आपके बोर्ड पेपर में भी आता रहता है और साथ ही जो है बाकी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ, फिर हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। कासिम, कोई सवाल है सर? जी जी सर, मेरा पैकेज खत्म होने वाला है, तो आप जैसे ही क्लास खत्म होगी ना तो आप रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे लगा दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, वो तो मैं लगा देता हूँ, ठीक है। आप अगर यहाँ से निकल के अटेंडेंस से पहले तो आप ग्रुप में फिर बता दें, ठीक है, कि आप थे, फिर वो आखिर में निकल के। ओके सर, ओके, ठीक। तो मैं नेक्स्ट से आप लोगों के साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है, हमारे साथ एक ये हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको जूम आप भी करके देख सकते हैं, आप अपने सिस्टम से इसको थोड़ा जूम करके, तो इधर मैंने पेज नंबर जो है 168 और 170 के दरमियान जो है आपके ग्रामर एंड कंपोजिशन जो बुक है उसके ये चीज जो है, ये 168 और 170 के दरमियान जो पेजेस हैं उनमें मिलेगा, ठीक है। तो एक्टिव एंड पैसिव जनरल तो आप लोगों को पता है, फिर भी बता देता हूँ, जनरली ये है कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, एडवर्सली अडॉप्ट करते हैं। एडवर्सली अडॉप्ट करने का मतलब ये है, सब्जेक्ट जो एक्टिव में सब्जेक्ट था वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट था वो अब
सब्जेक्ट बनेगा, एक जनरल रूल टू यू ये, यानी सब एक्टिव के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है और पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और बाय का इजाफा होता है। ये एक जनरल बात है। दूसरी जनरल बात है कि ऑल द पैसिव्स जो है, जितने पैसिव फॉर्म्स हैं इनके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव हो या किसी और टेंस का हो, फ्यूचर का हो, पास्ट का हो, इनके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होता है पैसिव बनाते हुए। तो ये जनरल रूल्स हैं, ठीक है, तो इनको मद्नजर रखते हुए हमने जो है करना होता है। और दूसरा ट्रांसलेशन के हवाले से बता दूं, तो ट्रांसलेशन में पैसिव में जुमला कब लिखा जाता है, जब इसमें काम करने वाला जिसको हम एक्टर बोलते हैं या वो अननाउन होता है। फॉर एग्जांपल, माली पौधों को पानी देता है, तो यहाँ पे एक्टर नाउन हमें पता है, ठीक है, कौन है, माली है, माली पौधों को पानी देता है, ठीक है, तो ये एक्टिव में ही लिखा जाएगा। दूसरा उसका अगेंस्ट जुमला क्या है, पौधों को पानी दिया जाता है, अब कौन दे रहा है, इट इज अननाउन टू अस, तो उस सूरत में हम पैसिव में लिखते हैं। ये उर्दू ट्रांसलेशन के हवाले से मैंने बात की, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन भी करने होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से। तो फार अब गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, माली पौधों को पानी देता है, पौधों को पानी दिया जाता है, अननाउन है, कोई बंदा नहीं है, तो पैसिव फॉर्म लिखेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म में इज़म आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, आपको पता है, तो क्या होगा कि जो है द वाटर इज गिवन टू द गार्डन, ठीक है, तो पानी जो है पौधों को पानी दिया जाता है, प्लांट्स आर गिवन वाटर, ठीक है, सॉरी प्लांट्स आर गिवन वाटर, ठीक है, पौधों को पानी दिया जाता है, उसमें अननाउन बंदा है, ठीक है, यानी उसमें जो एक्टर है, जो परफॉर्मर है, वो अननाउन है। तो ये ट्रांसलेशन के बारे से मैं बात कर रहा था। अब आगे चलते हैं इसमें पेज पे, जो मैं एक्चुअली आपको ये जो है, ये तो ऑलरेडी सॉफ्ट वो पैसिव वॉइस जहाँ हेडिंग नजर आ रही है आपको, आप बढ़ करके जूम करके देख सकते हैं। इसमें देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ लाइन, फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ द सेंटेंसेस इन वेरियस टेंसेस चेंज फ्रॉम द एक्टिव इनटू द पैसिव वॉइस, ठीक है, तो ये 10 सेंटेंसेस से आज हम ये ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, तो ये मुख्तलिफ 10 सेंटेंसेस हैं, मुख्तलिफ टेंसेस के सेंटेंसेस बने हुए हैं, ठीक है, तो इनको अपने हिसाब से कौन कौन से टेंस है वो सामने लिखते हुए उसने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। इसमें से एक दो जुमले आप लोगों को पूछते होते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस मेरा है द मदर लव्स द चिल्ड्रन, ठीक है, तो मदर लव्स, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस का इजाफा होना, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट साथ जो भी टेंस है उसका स्ट्रक्चर भी मैं बता दूंगा, ये इसलिए करवा रहा हूं। तो इसमें मैंने पहले भी बताया इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, जो आपके पास लिखा भी है पहले से स्ट्रक्चर। तो दूसरी बात हमने ये की थी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पे चला जाएगा, तो चिल्ड्रन फर्स्ट आएंगे, उसको बनाते हुए नीचे बना हुआ है जहां मैं कर्सर लेके गया हूँ, द चिल्ड्रन आर Left by the mother, ठीक है, मदर पहले एक्टिव में क्या थी वो सब्जेक्ट और अब जो है ऑब्जेक्ट बना है, तो द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय द मदर। सेकंड सेंटेंस है मेरा दी आर बाइंग दिस हाउस, ठीक है, तो आर बाइंग यानी इज़म आर प्लस आई एन जी फॉर्म, ये किसका एक्टिव स्ट्रक्चर है आप लोगों को पता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसमें क्या आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाते हुए स्ट्रक्चर बना बता देता हूँ, तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग का इजाफा होता है, बी ई आई एन जी, ठीक है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, तो इसी हवाले से करेंगे। अब ऑब्जेक्ट पहले ले आएंगे तो दिस हाउस, अब एक हाउस है, पहले दे था आर लगा है, ठीक है, अब सिंगुलर है तो इज आएगा, द हाउस इज बीइंग बॉट बाय देम, ठीक है, बाय से बॉट, बॉट थर्ड फॉर्म,
ठीक है, तो दिस हाउस इज बीइंग बॉट बाय देम। इसी तरह सेंटेंस नंबर थ्री विच इज शी हैज नॉट बीटन द डॉग, ठीक है, किसकी अलामत है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव बनाते हुए स्ट्रक्चर बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, यहाँ बीन का इजाफा होगा बी डब्ल्यू एन बीन, ठीक है, बीन प्लस बाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो क्या बनेगा? द डॉग हैज नॉट बीन बीटन बाय हर, ठीक है, द डॉग has not been beaten by her, तो present perfect tense सामने लिखा भी है। इसी तरह fourth पे चलते हैं, तो fourth है she bought five video films, she bought five video films, तो इसमें अब क्या होगा? she bought second form of verb लगना, मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाते हुए हम वॉज वर का इजाफा कर देते हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो शी गेव मी फाइव फिल्म्स, तो आई वॉज गिवन फाइव फिल्म्स बाय हर, ठीक है, आई वॉज given five films by her, ठीक है, तो ये यहाँ से स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेंगे तो आगे इसी रिलेटेड एक्सरसाइजेस आते हैं कल से, जब हम कर लेंगे कल तो वो आप लोगों को आसानी होगी। सिक्स जो है why did she write such a letter, अगेन पास्ट इंडेफिनिट है तो was ही आएगा, तो why was such a letter, अब लेटर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आना है, ठीक है, तो why was such a letter written by her, question mark। इसी तरह next से है seventh पे she was teaching the students, ठीक है, she was teaching the students, तो was verb plus fourth form of verb का मतलब होता है past continuous tense है, तो पास कंटिन्यूस को हम पैसिव बनाते हुए स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग, यहाँ भी इज़ अमर की तरह बीइंग लगेगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका जुमला बनेगा द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय हर, ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय हर। इसी तरह एट्थ में मेरे पास जुमला है दे हैड गेंड नथिंग, दे हैड गेंड नथिंग, हैड का मतलब है पास परफेक्ट है, तो हैड हैज हैव की तरह हैड के साथ भी बीन का इजाफा हो रहा है, ठीक है, इसी तरह रिलेट करके याद करेंगे, ये बड़ा आसान है, आसान सा स्ट्रक्चर है सब पैसिव्स का, ये आपको एक दफा याद होंगे आप किसी भी सेंटेंस को जो है चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर मैं बता दूं आपको, जो लोग लिख रहे हैं मैं आराम आराम से बोल रहा हूँ वो बेशक नोट भी कर ले, तो ऑब्जेक्ट आएगा प्लस हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो क्या बनेगा आप ऑब्जेक्ट, यहाँ पे नथिंग है इनडेफिनिट प्रोनाउन, तो नथिंग शुरू में आएगा नथिंग हैड बीन गेन बाय देम, ठीक है, नथिंग had been gained by them। इसी तरह नाइन्थ पे मेरे पास है he will, और ये यहाँ पे देखते हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस नहीं बने हुए, वजह यह है इन दोनों के इन दोनों टेंसेस में हम पैसिव में जुमला चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, और फ्यूचर के सिर्फ दो ही करते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तो ये दो मिसालें दी हुई हैं उसने भी, तो पहला नाइन्थ पे है ही विल राइट अ लेटर, तो विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है ये कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट को पैसिव में कन्वर्ट करते हुए हम क्या करेंगे, विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या बनेगा लेटर, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, तो इसमें देख रहे हो सब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कॉमन, ठीक है, वो इसलिए है कि तमाम पैसिव जो स्ट्रक्चर बनते हैं इनमें जरूरी तौर पर जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब
आता होता है। ठीक है, लास्ट मेरे पास जुमला है वो है वी शैल हैव किल द स्नेक। विल हैव और शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किसकी अलामत है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अब पैसिव में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट ले आते हैं प्लस विल या शैल हैव बीन, बीन का इजाफा कर देते हैं विल या शैल के साथ। ठीक है, विल या शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका बनता है द स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय अस। ठीक है, द स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय अस। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये रिमाइंड हुआ होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने पहले से उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया हुआ है, एक्टिव कैसे बनता है और पैसिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो इसके ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग जो है इसको इसीलिए कल हम इस तरह करेंगे, इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। कल इस पे 1-2 पेजेस और ये इसी तरह के 10 sentences है, आई थिंक 15 या 12 sentences है, वो भी हम डिस्कस कल कर लेंगे। तो आज जो है दो चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, एक तो ये आप अपनी नोटबुक्स पे जो है नोट करेंगे, ये PDF फिर इस तरह हो जाता है कि वो आगे मैसेजेस सेंड होते रहते हैं फिर वो मिस हो जाते हैं आप लोगों से, तो लिख लेंगे। कल की छुट्टी भी है कॉपीज पे तो ये आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, दूसरी बात वो जो PDF है फर्स्ट टाइम हमने डिस्कस किया यूनिट नंबर 7 से, तो वो तो मैंने उस दिन ही थर्सडे वाले दिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ठीक है, तो वो वहीं में से देख के आप लोग, उसमें लिखना नहीं है नीट कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट आप अपनी जो है बुक के ऊपर ही उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं हैंड रेस करके, मैं आप लोगों को अब जो है टाइम दे रहा हूं। जी, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो फिर डिस्कस कर ले। ठीक है, और ये होगा कि कल परसों तक हम ये सारा कुछ एंड अप कर लेंगे, वाइंड अप हो जाएगा। वैसे तो आज ही हो गया है, ये चीजें पहले भी मैंने बताई करवाई हुई है, फिर भी एक दफा जो है इन चीजों को गो थ्रू कर देते हैं। तो कल और परसों का आई थिंक लेक्चर, तो उसके बाद जो है वो फिर हमारी जब क्लास होगी तो शुरू में से मैं टॉपिक्स आप लोगों को दे दूंगा, तो वो टॉपिक्स आप लोग डिस्कस कर लेंगे, मैं आप लोगों से सुन लूंगा। ठीक है, कोई लीव ना करे जब तक मैं अटेंडेंस ना लूँ, अटेंडेंस लेके फिर आप लोग लीव कर जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद परसों के बाद जो है सिर्फ डायरी में लिखवा दूंगा, दूसरे दिन जो है आप लोग डायरी को मेरे साथ डिस्कस कर लेंगे जो जो आप लोगों ने याद किया वो होगा। ठीक है, जी नहीं है कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को? जी रेहान, ये सर जी कब से टेस्ट होंगे? मंडे से? मंडे से इंशाल्लाह, नहीं मंडे को भी क्लास होगी, मंडे को भी हम ये कुछ और सेंटेंसेस है एक्टिव पैसिव के ही वो डिस्कस कर लेंगे। मंडे के बाद जो है मंडे वाले दिन मैं आपको ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए ना वर्क दे दूंगा, फिर वो टेस्ट होगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है जी। क्या नाम है इबाद सर? ये सिलेबस खत्म हो गया है जो है, सिलेबस 5 चैप्टर है। जी जी, सिलेबस खत्म हो गया है, तो है 30 तक हम रिवीजन करेंगे 13th of May तक। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मंथ का जो है हम स्टार्ट कर लेंगे सिलेबस,
तो ये दरमियान में 5-6 दिन या 1 हफ्ता जो रहता है उसमें रिवीजन होगी, ठीक है। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले लूँ, लीव करने का कह दूंगा, फिर आप लोग लीव कर जाएंगे, ठीक है। अभी अटेंडेंस लेने दें। ठीक है, अब आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।